हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है रियल ब्राइडल मेकअप का है, जिसमें कि हम लोग आपको बेस बनाना सिखा रहे हैं, किस तरीके से हम लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों का बेस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग आई मेकअप कैसे करेंगे, जो कि बिल्कुल नेचुरल आई मेकअप होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आई मेकअप भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियो में हम इस पूरे मेकअप को कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा लुक आया था हमारी ब्राइड का। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो बेस मेकअप का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में फेस की टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर चुके थे, तो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्राइमर का। तो प्राइमर को हम लोग अच्छे से लगाएंगे पूरे फेस पर। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेते प्राइमर की, थोड़ी क्वांटिटी को ही पूरे फेस पर लगाते हैं। तो इसके बाद हम लोग को ज़्यादा, जैसे डार्क सर्कल नहीं है, तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियोस में भी कि हम लोग ऑरेंज करेक्टर का यूज़ ना करके सीधा ही कंसीलर का यूज़ कर लेंगे। तो टार्ट ब्रांड का टैन कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, जहाँ भी हमारा अनइवन स्किन टोन है उसको इक्वल करने के लिए। तो मैंने डायरेक्ट कंसीलर का यूज़ किया, क्योंकि मेरे क्लाइंट के फेस पे बहुत ज़्यादा ऐसी रिक्वायर नहीं लग रही कि मैं ऑरेंज करेक्टर का भी यूज़ करूँ, तो मैंने डायरेक्ट कंसीलर का यूज़ किया है। अब मैं धीरे धीरे इसको हल्के हल्के हाथ से डैब डैब कर रही हूँ, ताकि जो हमारा टोन है वो इवन होने लगे। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप लोग बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको डैब डैब करते हुए जो कंसीलर है उसको हम लोग इक्वल करेंगे। तो आप देख रहे हैं जो मार्क्स हैं वो हाइड हो गए हैं। और हमारा जो स्किन टोन है वो इक्वल हो गया है। अब हम लोग फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हैं। इनके लिए मैंने नार्स ब्रांड का फाउंडेशन यूज़ किया है। धीरे धीरे मैं इसको पूरे फेस पर ब्लेंड करती जाऊंगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। हल्के हल्के हाथ से डैप डैप करते जाएंगे तो पूरा जो हमारा फाउंडेशन है वो एक जो उसका जो फिनिश है बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आप लोग डैप डैप बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करते जाएंगे फेस के ऊपर। अगर आप लिप के एरिया भी कवर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो लिपस्टिक है वो और भी इन्हेंस होकर आती है। तो अच्छे से आप पूरे एरिया को कवर करेंगे। तो अच्छे से मैं डैप डैप करती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं। इससे क्या हो गया, हमारा जो बेस है वो ब्लेंड हो रहा है, जो हमारे फाउंडेशंस हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं। आईज़ के नीचे आप सारा चेक करेंगे, क्रीज लाइन वगैरह को आप अच्छे से डैप डैप करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन लगाने के बाद अब मैं हाइलाइटेड पॉइंट्स पर कंसीलर का यूज़ करूँगी। टार्ट ब्रांड का कंसीलर मैंने यूज़ किया है। जो भी हमारे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उन पर हम लोग लगाएंगे। लाइट न्यूट्रल हमारा कंसीलर शेड है। फिर से हम लोग हल्के हल्के हाथ से डैप डैप कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया पर। हमारा जो हमने जो कंसीलर लगाया है पर्टिकुलर एरिया पे ही हमें ब्लेंड करना है। ऐसा नहीं कि ब्लेंड करते करते आप पूरे फेस पर ही लगा दें। हमें अभी क्या किया, हमने अंडर आई के नीचे हमने अच्छे से ब्लेंड किया है। फोरहेड पे ब्लेंड कर रहे हैं हम लोग,
नोज़ के ऊपर और धीरे धीरे आइज़ के नीचे वाले एरिया को कवर किया है। तो जहाँ जहाँ हमारे हमने हाइलाइटेड पॉइंट्स बताए हैं उतने उतने एरिया में ही आप इसको ब्लेंड करेंगे। अपर लिप्स पर लगाते समय लिप्स को अंदर की साइड आप लोग बंद कराएंगे ताकि जो आपने कंसीलर लगाया है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। तो पहले मैं कंसीलर से हाइलाइटेड पॉइंट्स पर वर्क करती हूँ, उसके बाद मैं फेस की कॉन्टोरिंग करती हूँ। कॉन्टोर करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 की कैमोफ्लेज पैलेट में से डार्क शेड लिया है और उसको मैं जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कॉन्टोरिंग की नीड है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं फोरहेड भी बहुत बड़ा है तो हम लोग इस एरिया को भी ठीक करेंगे कॉन्टोर की हेल्प से। नोज़ की भी शेप देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा जो फेस है एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, ऐसा लगता है शेप नहीं है फेस के ऊपर। तो शेप देने के लिए हमें कॉन्टोरिंग ज़रूर करनी पड़ती है ताकि एक शेडो का इफ़ेक्ट आए फेस के ऊपर, जो कि हमारी फेस की शेप जो होती है 3D होती है नेचुरली। तो 3D शेप ही दोबारा दिखाने के लिए हम लोग कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग ब्लेंड करेंगे इसको। अपर साइड में हमारा ब्लेंड होना चाहिए चिक बोन्स के ऊपर। जो लाइन पे भी हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे नीचे की साइड। फोरहेड पे भी आपने देखा फोरहेड बड़ा है तो उसको भी मैं कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी आप लोग कॉन्टोरिंग जब हेल्प ब्रश की हेल्प से आप लोग इसको ब्लेंड करेंगे उसके बाद आपको ज़रूर ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ करना है ताकि जो लाइंस हैं वो हार्श ना दिखे, सॉफ्टनेस आ जाए। नोज़ के लिए मैं स्मॉल ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारा एंगुलर ब्रश है जिससे कि मैं शेप दे रही हूँ नोज़ की। इसको भी हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करेंगे ताकि कोई भी लाइन जो है वो ना दिखे। क्रीम ब्लशर का यूज़ कर रही हूँ मैं। के ब्यूटी ब्रांड का मेरा क्रीम ब्लशर है, इसको मैं चिक्स बोन पे लगाऊंगी अच्छे से, नोज़ एरिया पर थोड़ा सा और थोड़ा सा चिन पर भी लगाऊंगी, थोड़ा पिंकिश इफेक्ट देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। इसको अब हम लोग ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इससे एक नेचुरल पिंकिश इफेक्ट आता है फेस के ऊपर। बाकी हम लोग पाउडर का भी यूज़ करेंगे, पाउडर ब्लश का भी, लेकिन एक बार हम लोग जब क्रीम का वर्क कर रहे हैं जैसे कि फाउंडेशंस का और जो भी कॉन्टोरिंग वगैरह करिए उस दौरान हम लोग एक बार लिक्विड ब्लशर का भी यूज़ कर लेंगे, या आप लोग जो भी आपके पास क्रीम ब्लशर हो उसका यूज़ करेंगे। अलग अलग फॉर्म में आते हैं, कहीं लिक्विड में होते हैं, कहीं क्रीम में होते हैं। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं क्रीम ब्लशर है। अब मैं एयर ब्रश की हेल्प से एक बार बेस को दोबारा से हम लोग लगाएंगे। तो मैंने जो शेड यूज़ किया है 003 और 006 थोड़ा सा मिक्स किया है, 006 003 हमारा ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो क्लाइंट का फेस टोन है वो एकदम फेयर है तो उसी के हिसाब से हमने इसमें शेड डाला है।
बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम लोग जो लाइंस आई हैं फेस के ऊपर उसको ब्लेंड कर रहे हैं। जो ज़्यादातर हमारी जो लाइंस है वो अंडर आई के नीचे आती है, आईज़ के नीचे जो हमारा एरिया होता है वहाँ आती है, या लाफिंग लाइंस जो हमारी होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिखती हैं, तो हम उस जगह पर अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। अब मैं लिक्विड ब्लशर, अब इसमें हमारा लिक्विड ब्लशर है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस के ऊपर। अब मैं पाउडर लगाने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं डैब डैब कर रही हूँ ताकि जो मेरी लाइन है वो हट जाए। इसके बाद जब भी आप पाउडर लगाएंगे तो आपकी जो लाइंस तो विजिबल होती है लेकिन फिर भी बहुत कम विजिबल होती है अगर आप इस तरीके से अपने पाउडर की एप्लीकेशन करते हैं। तो अगर आप गीले के ऊपर ही पाउडर लगा देते हैं, ब्लेंड नहीं करते, लाइंस क्योंकि तुरंत आ जाती हैं, अगर आप बिना ब्लेंड करे पाउडर लगा देंगे तो लाइंस और भी विजिबल होने लग जाएंगी। इसलिए आप थोड़ा सा पहले ब्लेंड कीजिए ब्यूटी ब्लेंडर से, उसके बाद ही आप लोग जो है पाउडर की एप्लीकेशन करें। तो पूरे एरिया में मैंने अच्छे से पाउडर की एप्लीकेशन कर दी है। अब हमारे फेस पे क्या होता है, मैट इफ़ेक्ट आ जाता है, क्योंकि हम लोग जब पाउडर लगा देते हैं तो बेस जो है थोड़ा मैट इफ़ेक्ट में हो जाता है। अब हम इसको कैसे ग्लोसी बनाएंगे, उस समय हम लोग यूज़ करेंगे हाइलाइटर्स वगैरह का, तब जो हमारा बेस है वो अपने आप शाइन करने लगता है। अच्छे से मैंने इसको पाउडर से पैक कर दिया है। इसके बाद मैं इस पर अच्छे से मेकअप फिक्सर का यूज़ करूँगी जो कि हाइड्रेटिंग हो, क्योंकि अभी थोड़ी सर्दियाँ हैं तो मेरे क्लाइंट की स्किन है थोड़ी ड्राई भी है, तो हाइड्रेटिंग स्प्रे का मैं यूज़ करूँगी इनके ऊपर। आइज़ के ऊपर आप हाथ रखेंगे ताकि थोड़ा सा मेकअप सही रहे आपकी आइज़ का। उसके बाद आप लोग हाइड्रेटिंग स्प्रे जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको आप यूज़ करेंगे। इस तरीके से जो हमारा बेस है वो कंप्लीट हुआ। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा मेकअप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ गुड बाय।